हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात किया जाए तो यह पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार तक, चार राज्यों में, बिहार झारखंड तक भी फैली हुई है। कौन कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार तक। यह तीन पहाड़ियों का सेट है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यह तीन पहाड़ियों का सेट है। अगर सबसे पश्चिमी हम पहाड़ी की बात करें क्रम, तो भारनेर पहाड़ी है, उसके पूरब में है कैमूर पहाड़ी और सबसे पूरब में है पारसनाथ पहाड़ी। मतलब जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये एक साथ ना लग के तीन पहाड़ियों का सेट है। कहने का मतलब बीच बीच में थोड़ा क्या है, खाली स्थान है। तो तीन पहाड़ियों का सेट कौन सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊँची जो चोटी है यह अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी की ऊँचाई जो है 1065 मीटर है। और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये क्या कर रही है, अगर आप देखें गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक फैली है, तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यह क्या कर रही है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर रही है। ठीक, मतलब ये विभाजन करती है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक चोटी है। अगला अगर हम देखें जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसी के दक्षिण में, इसी के समानांतर सतपुड़ा श्रेणी भी तीन पहाड़ियों का सेट है। सतपुड़ा श्रेणी भी तीन पहाड़ियों का सेट है, जैसे आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसमें सबसे पश्चिमी जो पर्वत श्रेणी है सेट में रे राजपिपली है, उसके पूरब में है महादेव पर्वत श्रेणी और महादेव पर्वत श्रेणी के पूरब में कौन सी है, मैकाल पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी भी तीन पहाड़ियों का क्या है, यह सेट है। और इसी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो ये जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसके बीच में जो नदी बह रही है नर्मदा नदी, ये क्या करती है, भ्रंश का निर्माण करती है। तो आप कह सकते हैं जो नर्मदा नदी है विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। ठीक, अगला अगर हम देखें जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊँची जो चोटी है धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और यह किस पर्वत श्रेणी पर है, तो महादेव पर्वत श्रेणी जो तीनों पहाड़ियों का सेट में है उसी पर स्थित है धूपगढ़ चोटी, जो जो सतपुड़ा श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। आगे अगर हम देखें तो इसी के दक्षिण में, यानी महादेव जो आपका सतपुड़ा श्रेणी है उसी के दक्षिण से शुरुआत हो रही है, एक उत्तर से दक्षिण की तरफ है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, इन राज्यों में एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो अरब सागर है, अरब सागर के भारत के पश्चिमी तट पर विद्यमान है, इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी। और अगर इस पर्वत श्रेणी की हम बात करें, किसकी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की, तो इसको सह्याद्री भी कहा जाता है, यानी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का अन्य क्या नाम है, सह्याद्री है। इसी में अगर देखें तो छोटी छोटी गैपिंग है, थोड़ा थोड़ा गैप है, जिसको हम कहते हैं दर्रा। पर्वत श्रेणियों के बीच थोड़ा सा जो खाली स्पेस होता है जो आवागमन को सुलभ कराता है उसको हम कहते हैं दर्रा। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है उसमें कुल तीन दर्रे हैं, तीन दर्रों में दो महाराष्ट्र में है, एक महाराष्ट्र का जो दर्रा है इसको हम कहते हैं थाल घाट, ये जो दर्रा है इसको हम क्या कहते हैं, थाल घाट। दूसरे को कहते हैं हम भोर घाट, महाराष्ट्र में है भोर घाट, और एक केरल में है, इसका नाम है पाल घाट, पाल घाट। तो तीन दर्रे हैं इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पर्वत श्रेणी में। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी, इस चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। और यह जो चोटी है 2697 मीटर है, इस चोटी की जो ऊंचाई है 2697 मीटर है। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है,
ठीक, या आप कह सकते हैं प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर। प्रायद्वीप आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रायद्वीप होता क्या है, तो जो प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, अनाईमुड़ी है। और अगर क्वेश्चन बने दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी हम कहेंगे कि अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्यों? चूंकि यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक, आगे अगर हम देखें तो इसी के समानांतर यानी कि पश्चिमी घाट के समानांतर एक बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में भी पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां हैं, और पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियों के बीच में जो गैपिंग है बहुत ज्यादा है। अगर किसी पर्वत श्रेणी के मध्य में थोड़ा सा गैपिंग हो, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत श्रेणी है और इतनी लंबी होने के मतलब हजारों किलोमीटर लंबी हो पर्वत श्रेणी, और उसी में छोटा सा गैपिंग हो, तो यहाँ क्या होता है, चूंकि पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 1-1.5 किलोमीटर तक तो हो ही सकती है, अब ये थोड़ा सा जो गैपिंग है क्या करता है, लोगों को आने जाने के लिए मार्ग सुलभ कराता है, इसी को कहा जाता है दर्रा। ठीक, लेकिन अगर हम पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की बात करें तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों में दर्रे नहीं है। क्यों नहीं है? चूंकि जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी है यह काफ़ी मतलब पूर्वी घाट से ज़्यादा ऊंची है। दूसरा, यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी का क्रम है सब सटे हुए हैं, लेकिन जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी है उसमें गैपिंग बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, इसलिए उस वहाँ पर दर्रे का निर्माण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पर्वत श्रेणी के बीच सकरे मार्ग को कहा जाता है दर्रा, और यहाँ कुछ सकरा ना हो कि बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र खुला हुआ होता है, इसलिए जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी है यहाँ पर दर्रे नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से आके मिलते हैं केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। कहाँ? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं। कहाँ पर? तो अगर राज्य पूछे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के सीमा पर किस पहाड़ी पर मिलते हैं, तो उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी, ठीक, यानी अगर क्वेश्चन बने कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पर्वत पहाड़ी पर आके मिलते हैं, तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। अब यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों के साथ तमाम पहाड़ियाँ हैं, यानी पहाड़ियों का समूह है जिसको कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। और क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम है दोदा बेट्टा है। जो दोदा बेट्टा की ऊंचाई है यह कितनी है, 2637 मीटर। 2637 मीटर कौन सी है, तो दोदा बेट्टा। अगर क्वेश्चन बने नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम किसको बताएंगे, दोदा बेट्टा को बताएंगे। कितना ऊंचा है, 2637 मीटर है, और यह है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम कहेंगे दोदा बेट्टा। ध्यान दीजिएगा, इसी के दक्षिण में तमिलनाडु में एक चोटी है सबसे दक्षिण में, उसका नाम है महेंद्र गिरी चोटी, और महेंद्र गिरी पर चोटी जो है तमिलनाडु में है। ठीक, और क्वेश्चन आता है कौन सी चोटी भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, तो यह महेंद्रगिरी जो चोटी है भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। और दूसरा क्वेश्चन आता है भारत की पूर्वी सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था नामचा बरवा के बारे में, इसका नाम था नामचा बरवा, और नामचा बरवा जो चोटी है इसकी ऊंचाई थी 7756 मीटर, या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर क्वेश्चन आए भारत की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो वह है नामचा बरवा। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो वह है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में स्थित है महेंद्रगिरी। तो आप कह सकते हैं कि भारत की सबसे दक्षिणतम जो चोटी है वो कौन सी है, महेंद्रगिरी है, और भारत की सबसे पूर्वी जो चोटी हो कौन सी है, नामचा बरवा। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।